औरतें हैं प्रोफेशनली नहीं काम करती हैं, समाज सेविका हैं, समाज के लिए इतना सुंदर कार्य करती हैं, हम उन्हें फेलिसिटेट करने वाले हैं। तो इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत सा इवेंट है हम सबके लिए, जहाँ पूरा सारे लेडीज़ होंगे अर्बन से रूरल से, एट द सेम टाइम जो अपने आप में वो हिम्मत रखती है, विश्वास रखती है, एक छोटी लड़की 16 साल की जो इतना कुछ करती है लोगों के लिए, हम उन्हें भी यहाँ पर फेलिसिटेट कर रहे हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर बीइंग हियर। आर्यन जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आप दिन ब दिन इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, शायद इनके दिन और रात सब एक हो चुके हैं टूवर्ड्स नारी सम्मान 2021। जी मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मैं ये गाना लिख के बहुत खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। औरत के लिए हालांकि बहुत कुछ कहा जाता है, और मैंने कहा भी है कि इस गाने में 5% भी नहीं कहा है औरत के मुतालिक, जो कुछ कहना चाहिए बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन फिर भी सम्मानित इसलिए महसूस करूँ कि सबसे पहले तो मैं आर्यन जी आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिस रिस्पेक्ट के साथ वो पेश आए हैं, और गाने की रिकॉर्डिंग से लेके गाना सुनने से लेके मतलब वो पता चलता है कि हालांकि कहा गया कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, सही बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट करें तो भी सामने वाला आपको नहीं देता कितना भी आप उसको करें, लेकिन जिस उससे वो पेश आए, न केवल औरत होने के नाते राइटर के साथ भी उन्होंने जो सलूक किया है, अमूमन होता क्या है कि मीडिया लाइन में सब में राइटर को बहुत सेकेंडरी वो किया जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत तरजीह दी। मैंने उनको आते से ये बात बोले कि यहाँ से लगता है कि इफ़ यू लव समबडी शो इट, आपकी तमीज़ तहजीब बताती है, जो इंसान औरत की कदर करना जानता है, औरत की इज्जत करना जानता है, वो समझ लीजिए कि वो संसार के हर रिश्ते की इज्जत करना जानता है, सबकी, ठीक है। हाँ तो दो बातें मेरे को कहनी थी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं, ये इनको मैं समर्पित कर रही हूँ, वो हमें दिख गए कि वो जिस पैशन और जिस जुनून के साथ करें वो जज्बा सही है, उनको केवल दिखाने के लिए औरत का सम्मान नहीं करना, वाकई करना है, और ऐसे ही जोड़ हम लोग हमको जुड़ने चाहिए, केवल नाम मात्र के सम्मेलन नहीं, हम बहुत जाते हैं औरतों से, जब 8 मार्च को होता है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम हर प्रोग्राम से जाते हैं, लेकिन उन्हें खाना पूर्ति होती है, यहाँ मुझे महसूस हुआ कि खाना पूर्ति नहीं है, ये दिल से किया गया प्रोग्राम है, इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, पहली बात ये। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, मैं राजस्थानी हूँ, मारवाड़ा हूँ, हया मेरा पोइटिक नेम है, पेन नेम है, उसमें एक मुहावरा कि मत चूके चौहान, मतलब चौहान निशाना जहाँ पे तुमको बता दिया गया वहाँ निशाना लगा दो। मीडिया से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक शेर है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर, ठीक है। तो मीडिया ने हमेशा ग्लैमर को तरजीह दी है, ग्लैमर को इम्पोर्टेंस दिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को दिए, आप ज़मीन से उठाइए लोगों को, जैसे वो ज्योति जो साइकिल चला के ले गई थी, आप वहाँ से जुड़िए, उन लोगों को स्टार बनाइए, हमारे आइडियल ये बिग बॉस में आने वाले ऐसे आने वाले जो औरतों के नाम को हमारी तमीज़ तहजीब को ख़राब करते हैं, हमारी ज़बान को ख़राब करते हैं, जिनके लिए हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति तहजीब पहनावा कुछ भी नहीं है, हम उनको सेलिब्रिटी बनाते हैं, हम उनको सेलिब्रिटी बनाएं जो कदरों को लेकर चलते हैं। अभी उन्होंने यहाँ एक बात कही थी कि मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं औरतों का सम्मान करूँगा, आर्यन जी मेरा खुद का ट्रस्ट है, हया चैरिटेबल ट्रस्ट, आप जो बोल रही हैं, मैं इन जेल के प्रोग्राम्स में जुड़ी हुई हूँ, मैं जेलों में महिलाओं के बीच में जाके मैंने प्रोग्राम्स पढ़े, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जुर्म किसका सज़ा किसको, ये मेरा प्रिय वो जो है विषय ये भी रहा है। तो मैंने वहाँ जाके देखा है, वहाँ एक घटना आपको बता रही हूँ कि वहाँ एक औरत ने ये बोला कि मेरा हस्बैंड मुझे रोज़ बहुत बुरी तरह से गालियाँ देता था, बुरी बुरी गालियाँ, और उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि वो भर गई, उसने अपने आदमी का कत्ल कर दिया। आप उसकी शक्ल देखिए, एक छोटी सी यंग सी एक औरत, मासूम सी औरत, तब वहाँ से मेरे को आया कि हम सबसे पहले तो औरत को गाली बनाना बंद करें, माँ और बहन की गाली जो होती है औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, उसकी इज्जत केवल रेप बलात्कार केवल फिजिकली वैसे नहीं होता, आपने अगर किसी औरत को गाली दे दी, आपने माँ की गाली दे दी, बहन की गाली दे, वहीं बलात्कार हो गया बहन का और माँ का। उधर से मैंने कैंपेन शुरू किया था, आर्यन जी मैं आपसे बोल रही हूँ कि मैं अभी भी कह रही हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ, स्टूडेंट्स के बीच में जाती हूँ, प्रोफेसर हूँ मैं, सबसे पहले उनसे वादा लेती हूँ माँ और बहन को गाली बनाना बंद कीजिए, जब आप अच्छे इंसान बनेंगे तो फिर आप अच्छे जो है अच्छा काम भी ज़िंदगी में कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले मीडिया को भी बोलना चाहूँगी, आर्यन जी आपको भी बोलना चाहूँगी कि ये जो कैंपेन है और औरतों के दिवस पे 8 तारीख को इसको और 16 तारीख को ज़ोर शोर से इसको किए कि आप सबसे पहले माँ और बहन की गालियाँ घर में देना बंद कीजिए, बात बात पे तेरी माँ का तेरी बहन का तेरी ये क्या, ये इतना आम हो गया कि छोटे छोटे बच्चे से देते हैं। तो औरतों का सम्मान करने के लिए सबसे पहले औरत को गाली बनाना बंद कीजिए,
औरत को इज्जत देना बंद कीजिए। जब औरत गाली नहीं बनेगी तो औरत के बारे में ये जो जितने भी केसेस आ रहे हैं ना, इतने जो होते हैं, चाहे रेप के केसेस हैं, कुछ भी जो हो रहे हैं, आधा तो जो है गालियों से रिलेटेड होता है। तो इस कैंपेन में भी आप साथ जुड़े, आप जुड़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये पढ़ लीजिए कि यहाँ जितने भी मौजूद हैं, हम माँ और बहन की गाली नहीं देंगे। मेरे ख्याल से ये नामुमकिन तो नहीं है, मुझे पता है कि नहीं नामुमकिन है। मैं मान रही हूँ कि माँ और बहन की गालियाँ जब तक कयामत है नहीं गायब होगी, ठीक है। लेकिन हम जाति तौर पे, पर्सनल तौर पे अपने अपने घरों से तो शुरुआत कर सकते हैं। यकीन जानिए बहुत ख़राब लगता है जब माँ और बहन की गालियाँ। तो जिस दिन, मैं तो एक गाना उस पर भी लिखने की सोच रही हूँ, जिस दिन माँ और बहन की गालियाँ समाज से बंद हो जाएंगी, मैं समझूंगी कि उस दिन माँ और बहन को सबसे ज़्यादा इज्जत मिली।